दोस्तों अच्छी खबर है देश के बारे में। इंडिया टू रिगेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टैग सेज द वर्ल्ड बैंक। कहने का मतलब है अब भारत में जीडीपी की ग्रोथ वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा आने वाले 2 सालों में होने वाली है, ये इस अखबार का कहना है। अब पहले तो हम फिगर ही देख लें। अब जैसा कि हम देखें 2017-18-19 3 साल का प्रोजेक्शन है। अब 2017-18 तो चल ही रहा है, इसमें चाइना आगे रहा है जैसा कि दिखाया गया है लाल रंग की लाइन में 6.8, और इंडिया जो है नीले रंग की लाइन में है 6.7। तो 2017 में इंडिया चाइना लगभग बराबर रहे हैं, आसपास रहे हैं। चाइना 0.1 दशमलव की बढ़ोतरी बनाए हुए। उसके बाद 18-19 में आप नीली लाइन दे सकते हैं 6.7, 7.3, 7.5। ये भारत की रफ्तार रहने वाली है अर्थशास्त्र इकोनॉमी के मामले में। तो इसका मतलब अब भारतवासियों के जेब में पैसे अच्छे खासे आने वाले हैं। और उसी दौरान चाइना स्लो डाउन होने वाला है, चाइना धीरे हो जाएगा, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का ये फिगर है। तो लाल रंग की लाइन चाइना जो कि धीरे होने वाला है 6.8, 6.4, 6.3। अच्छा, ये तो बात होगी भारत और चाइना की। अब बाकी दुनिया देखें, अब इन द टाइम टू कम 2017-18-19 द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो एज सीन बाय द ब्लैक डॉटेड लाइन 3-3-3 17-18-19 3-3-3। वर्ल्ड की ओवरऑल टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने वाली है, वर्ल्ड आने वाले 3 सालों में के वहीं का वहीं रहेगा। अब जहाँ तक यूएस का सवाल है, अमेरिका का सवाल है, ट्रंप साहब को संदेश ये है कि आपकी इकोनॉमी 2.3 थोड़ी सी बढ़ेगी फिर डाउन होगी। तो लगभग यूएसए लगभग वैसे ही रहने वाला है। अब देखें हल्की सी नीली लाइन जो रशिया की है 1.7, वो आने वाले 3 सालों में 17-18-19 में 1.7 से 1.8, मतलब कि बहुत रैंग रैंग के बढ़ेगा आगे। ब्राज़ील आने वाले 3 सालों में 1 से लेके 2.3 धीरे धीरे बढ़ेगा। साउथ अफ्रीका वो भी 0.8 से 1.7 जाएगा, बट ब्राज़ील के पीछे रहेगा। तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड। नाउ व्हाट इज रिटन इन द न्यूज़पेपर, इट इज़ सेड दैट बिकॉज ऑफ GST इन 2017-18 द इकॉनमी इज फोरकास्ट टू ग्रो 6.7% ड्यू टू शॉर्ट टर्म डिसरप्शन फ्रॉम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड GST। अब 2017-18 में जैसे कि हमने देखा GST आई, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी डिसरप्शन रहा और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही जैसा कि हमने देखा है। बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिवाइव एज द कॉर्पोरेट सेक्टर एडजस्ट टू GST, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीजेज, पार्टली इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर। तो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है, ऐसे ऐसे अखबार में लिखा है, क्योंकि तब तक लोग GST के आदि हो जाएंगे, और क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा खर्चा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, पब्लिक सर्विसेज थोड़ी सी इंप्रूव होंगी पार्टली थोड़ी सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर की जो कॉर्पोरेट सेक्टर उनकी बैलेंस शीट अच्छी रहने की अनुमान है। और निरंतर हम देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कोशिश भी कर रहा है। और ये थी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक की। तो डियर फ्रेंड्स, सो लेट अस रिजॉइस, दिस इज़ अ वंडरफुल ग्राफ इन द कमिंग 3 ईयर्स, दैट इज 2017-18-19।